हेलो फ्रेंड्स, आप सबका AR क्लास टाइम में वेलकम है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक डिसकंटिन्यूटी ऑफ द अर्थ है, जो स्कूल एग्ज़ाम्स और कंपिटेटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिसकंटिन्यूटी क्या है, कितने डिसकंटिन्यूटीज़ हैं, ये कहाँ होते हैं और कौन सा डिसकंटिन्यूटी किस प्लेस में होता है। फ्रेंड्स, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मैं पेपर में एक डायग्राम बनाया हूं, जिसकी मदद से हम लोग डिसकंटिन्यूटी से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन को समझते हैं। अ जोन विद इन द अर्थ वेयर द वेलोसिटी ऑफ सेस्मिक वेव्स चेंज रेडिकली ड्यू टू द चेंज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द लेयर्स। सच अ जोन मार्क्स द बाउंड्री बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज डिसकंटिन्यूटी। यानी ज़मीन का वो इलाका जहाँ जलजले की लहरें अचानक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तब्दीली की वजह से अपनी रफ्तार बदल देती है, उसे ही डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। हम सब जानते हैं कि क्रास्ट, मेंटल और कोर ज़मीन के तीन लेयर्स हैं और ये तीनों लेयर्स अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। अर्थ की सबसे ऊपरी लेयर को क्रस्ट कहते हैं, जो बहुत ही सॉलिड है, और सबसे अंदरूनी लेयर को कोर कहा जाता है, जो लिक्विड हालत में है, जबकि क्रस्ट और कोर के बीच में मेंटल है, जो पार्टली मोल्टन है। यानी यह ना तो सॉलिड है और ना ही लिक्विड। डायग्राम में आप पांच सर्कल्स देख पा रहे हैं, ये पांचों डिसकंटिन्यूटीज़ हैं। दो सर्कल रेगुलर लाइन में और तीन सर्कल इररेगुलर लाइन में हैं। जो दो सर्कल रेगुलर लाइन में हैं उसे हाईलाइट किया गया है। सबसे पहला सर्कल जो रेगुलर लाइन में है वो क्रस्ट और मेंटल के बीच में है, इसे मोहो डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। दूसरा मेंटल और कोर के बीच में है, जिसे गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ये जो डॉट डॉट तीन सर्कल्स हैं वो भी डिसकंटिन्यूटीज़ हैं। सबसे ऊपर क्रस्ट में सयाल और सीमा के बीच कॉन्ड्रेट डिसकंटिन्यूटी है। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रैपेटी डिसकंटिन्यूटी है, जबकि आउटर कोर और इनर कोर के बीच में लेमन डिसकंटिन्यूटी है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में सेस्मिक वेव यानी जलजले की लहरों का जान लेना भी अहम है, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी का नॉलेज इसी वेव से होता है। सेस्मिक वेव तीन तरह के होते हैं। नंबर एक, प्राइमरी वेव, यानी शॉर्ट में इसे पी वेव भी कहते हैं, जिसकी स्पीड तकरीबन 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, और यह वेव क्रस्ट, मेंटल और कोर यानी तीनों मीडियम से होकर गुजरती है, सॉलिड, लिक्विड और पार्टली मोल्टन तीनों से होकर गुजरती है। नंबर दो, सेकेंडरी वेव, जिसे शॉर्ट में एस वेव भी कहते हैं, इसकी स्पीड 4 किलोमीटर से 5 किलोमीटर पर सेकेंड है। नंबर तीन, लॉन्ग वेव, इसे शॉर्ट में एल वेव भी कहते हैं, इसकी स्पीड सबसे कम तकरीबन 3 किलोमीटर पर सेकेंड है, लेकिन यह वेव सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, इसलिए इस वेव को डिजास्टेरियस वेव भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही नुकसानदायक होता है। इससे बिल्डिंग्स, रोड्स, रेलवे लाइंस, बहुत सारी चीज़ क्रैक्स और नुकसान होते हैं। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का आंसर आप देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस का आंसर इसी वीडियो में है, ध्यान से सुनकर सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर एक, विच डिसकंटिन्यूटी इज लोकेटेड बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल। क्वेश्चन नंबर टू, नेम द डिसकंटिन्यूटी विच इज लोकेटेड बिटवीन मेंटल एंड कोर। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच डिसकंटिन्यूटी इज लोकेटेड बिटवीन सीमा एंड सयाल लेयर। क्वेश्चन नंबर फोर, विच इज रैपिडली डिसकंटिन्यूटी और वेयर इज रैपिडली डिसकंटिन्यूटी लोकेटेड। क्वेश्चन नंबर फाइव, नेम द डिसकंटिन्यूटी विच इज लोकेटेड बिटवीन आउटर कोर एंड इनर कोर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच सेस्मिक वेव पासिस थ्रू ऑल मीडियम्स।
क्वेश्चन नंबर 7, विच सेस्मिक वेव इज द मोस्ट डिजास्टेरियस। फ्रेंड्स, हमारी दुआ और नेक ख्वाहिशात हमेशा आपके साथ है। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। इसी तरह की लेटेस्ट नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करके कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारा हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू, तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।